मैं शहीद जवान मुन्ना सिंह के दरवाजे पे मौजूद हूँ और रोई मत बहादुर बेटा के जन्म दिले रहनी है का कहत रहले चाची। अरे बुखार लग रहा है तो कौन है जे बाबू दवाई करा लो। और मुझे लगता है कि ही इज द बेस्ट मैन ऑफ मोहम्मदपुर एंड वी आर प्राउड फॉर हिम। हमरा ना जानकारी बउवे बाबू चोरा चोरा सब अतर पति आवत रहवे लो हम ना जानू हमरा शौक से बउवे पीछे पीछे घूमत रही तो रात दू टूम सुनू जे मुना हॉस्पिटल में भर्ती पड़े तब हम लोग के पीछे पड़वी तब हम आज शौक से लोग के जननी आ जे। देखिए माँ है हम सुननी है तो मतलब बहुत बेचैनी बोला हम भागल चलिए यहाँ पर सुन के बहुत रुआ से बात तो उनका सहूत रहा पहले मतलब यहाँ रहला पर बात होत रहा जब कब बात भई रहे एक महीना पहले आ रहे थे बात का कहत रहे मतलब समाचार ये वही आए सुनता पूछिए समाचार कि बुआ कैसन बानी है यो ठीक बानी है ये कल हमने 3 बजे बात किया लमसम 10 से 15 मिनट बात किया। अंतिम बात आपकी कल हुई थी भाई जी क्या बोल रहे थे? बोल रहे थे हमने बोला कि छुट्टी मिल जाएगा तो हम घर लेकर चले आएंगे उसके बाद से वो बोले कि नहीं यूनिट में जाएंगे तो छुट्टी मिलेगा अच्छे नहीं होंगे तब तक नहीं मिल सकता। नमस्कार मैं सिवान जिले के बड़हरिया थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव में हूं और वहां एक मां भारती के और लाल शहीद हो गए हैं। राजस्थान में उनकी तैनाती हुई थी और सेना के जवान थे उनकी भी शहादत हुई है और उनके शहादत की खबर जैसे बिहार में आती है पूरा बिहार शोक के सागर में गोते लगाने लगता है और जितनी आंखें हैं सबकी आंखें सजल हैं। मैं मोहम्मदपुर गांव में शहीद जवान मुन्ना सिंह के दरवाजे पे मौजूद हूं और यहां सुबह से ही जो सुन रहा है तमाम लोग आ रहे हैं शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं और सबकी आंखें नम है सब लोग अपने इस बहादुर जवान के खोने के गम में डूबे हुए हैं। मेरे साथ है मुन्ना कुमार जी के भाई हैं जो आर्मी के जवान थे। क्या नाम है आपका? विनोद प्रसाद सिंह। विनोद बाबू कब भाई की नौकरी हुई थी? 2010 में। 2010 में कहाँ पोस्टेड थे? अभी राजस्थान गंगापुर। गंगापुर में थे। शादी वादी उनकी हो गई है? जी शादी हो गई। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। आप भाई कितने हैं? 3 भाई हैं। 3 भाइयों में कई नंबर के थे? 3 नंबर थे, छोटे थे। सबसे छोटे थे? जी जी सबसे छोटे थे। बड़ा प्यार दुलार भी आप लोग दिए और भाई आर्मी में चले गए जी। तो कैसे सूचना मिली आपको, क्या जानकारी हुई कल? कल हमने 3 बजे बात किया लमसम 10 से 15 मिनट बात किया। अंतिम बात आपकी कल हुई थी भाई जी? क्या बोल रहे थे? बोल रहे थे हमने बोला कि छुट्टी मिल जाएगा तो हम घर लेकर चले आएंगे उसके बाद से वो बोले कि नहीं यूनिट में जाएंगे तो छुट्टी मिलेगा अच्छे नहीं होंगे तब तक नहीं मिल सकता। बता रहे थे कि अस्वस्थ हैं? हम बोले हैं अच्छे हैं अभी मतलब तबीयत उतना ठीक है बोल रहे थे अच्छे हैं हम मतलब तबीयत उतना अच्छा नहीं है सही हो जाऊंगा तो आ जाऊंगा आने की बात बोल रहे थे जी। और उसके बाद क्या फोन उसके बाद शाम को हमने उनके साथ कोई मेजर थे उनका नंबर लेकर हमने कॉल किया तो बोले कि अभी हमने चंडीगढ़ या दिल्ली रेफर कर रहे हैं प्रॉब्लम आ रहा है। बीमार हुई थी जी उसके बाद से 5 मिनट बाद बोले कि नहीं वो डेट कर गए नहीं रहे इस दुनिया में कोई नहीं। हाँ देख सकते हैं यही घर है और इस घर के तमाम लोग हैं सुबह से ही जो लोग सुन रहे हैं आ रहे हैं। एक माता जी भी मेरे साथ हैं इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? हम माता जी नहीं हम उनकी बुआ है। मेरी माता जी है। क्या नाम है आपका? जानकी देवी। जानकी देवी आपके भाई के लड़के थे? भतीजा के लड़के। भतीजा कहाँ सुननी है? हम सुननी है कि मतलब ऐसे ऐसे घटना हुए तो हम सीमान रहे बबुनिया में हम सुननी है तो हम मतलब बहुत बेचैनी बोला हम भागल चलिए यहाँ पर सुन के रउआ से बात तो उनका सहूत रहा पहले मतलब यहाँ रहला पर बात होत रहा जब कब बात भई रहे एक महीना पहले आ रहे थे बात का कहत रहे मतलब समाचार ये वही आए सुनता पूछिए समाचार कि बुआ कैसन बानी है यो ठीक बानी है ये कुछ पूछिए बहुत अच्छा लड़का रहा बहुत अच्छा लड़का रहा मैंने का नाम बका जी? हाँ शानमती। रउआ उ के रहे हैं राहुल देख सकते हैं यही वह परिवार है उनकी शादी भी हो गई आई चले शादी भी हो गई है और उनके 2 बच्चे भी हैं और यही उनका घर है। इस घर में माताएं भी हैं बहनें हैं तमाम लोग हैं
भाभी भी हैं और लोग भी हैं, इनसे माँ कौन है? कब बाबू कब आई रहे अंतिम बार छुट्टी में? एक महीना पहले बाबू। रोई मत बहादुर बेटा के जन्म दिले रहनी है रुआ। का कहत रहले जाती? अरे बुखार लग रहा है तो कौन जे बाबू दवाई करा लो, तीन दिन दो दिन के छुट्टी रहे तो आठ दिन अपना पलुआर काले रहले, तीन दिन हमरा लगे रहले तो पलुआर काले बुखार लागत रहे तो दवाई भी करवल लो हमरो लगवाइले तो ले जाके कौन जे बाबू जा पड़ोरिया जाए सीवान चेक करा लो तो कहत रहे ना भाई नीमन हो जाए बी पी लो रहे स्पॉन्ज मंगा के दिया दवा फिर बी पी के दिया अथी डॉक्टर किया ले जाके हमार बाबू एक जना बड़े जेठ देखा ले बाबू हमार नीमन हो गए आराम हो गए अपने से मोटरसाइकिल आके मोर पर चल गए। काल रुआ कैसे जानकारी बहु? काल हमरा ना जानकारी बहु बाबू चोरा चोरा सब अतर पति आवत रहुए लो हम ना जानू हमरा शौक से बहुए पीछे पीछे घूमत रही तो रात दू टूम सुनू जमुना हॉस्पिटल में भर्ती पड़े तब हम लोग पीछे पड़वी तब हम आज शौक से लोग का जर्नी आ जाए। देखिए माँ है और माँ तो माँ होती है। क्या नाम है आपका? रीना देवी। बहन है? नहीं भाभी है। बड़ी भाभी आपसे कब बात हुई थी? 10 दिन पहले हुई। फोन पर बात हुई? हाँ। क्या कर रहे थे? समाचार कह रहे हैं जी कैसे हैं अच्छा से रहना ये सब यही सब बोल रहे हैं। उनका परिवार कहाँ है? अब यहाँ रहे हैं वो डिप्टी में रहती उनकी वाइफ बिहार पुलिस थी वो आ रही है। अच्छा उनकी पोस्टिंग कहाँ थी? मुंगेर में। हाँ मुंगेर। बच्चे भी हैं? मुंगेर में दो बच्चे हैं। अच्छा और कुछ लोग हैं? क्या नाम है आपका? तो भाई थे आपके? ना बहन के लड़के। बहन के लड़का आपसे बात तो होती थी? ना एक घड़ी 15 दिन के अंदर नहीं। का सुनने है रुआ? अब वह सुनू एक बाइक फोन हो गए जे ऑक्सीजन लागल बा बात नहीं खन कर तब ऐसे बातचीत होके लगे उनका तबीयत खराब रहो तबीयत खराब रहो अब वह एने ओने बात होके लगे वो जी के अफसर अफसर लो से तले बीमार चल रहे थे और अस्वस्थ थे दवा इलाज चल रहा था इसी में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मुस्तकीम है। मुस्तकीम भाई आप इसी गांव के हैं? ना हम महबूब छपरा के हैं लेकिन इस परिवार से और मरने वाले व्यक्ति से बहुत बड़ा लगाव था क्योंकि हम यहाँ आते थे हम पब्लिक टीचर हैं पढ़ाने आते थे ये ही इज द बेस्ट मैन ऑफ मोहम्मद। आप उनको पढ़ाए थे? नहीं इनके बच्चों को पढ़ाते थे। अच्छा जी। तो उनसे बहुत अच्छा मेरा संबंध था और उनके परिवार से भी बहुत अच्छा संबंध था हम लोग चाय नाश्ता भी साथ में करते थे और वो ऐसा नहीं लगता था कि जो है वो एक आर्मी है ऐसा लगता था कि बहुत काफी सोशल आदमी है और मुझे उनसे सहानुभूति है इस वजह से मैं आया हूँ और मुझे लगता है कि ही इज द बेस्ट मैन ऑफ मोहम्मदपुर एंड वी आर प्राउड फॉर हिम। क्या नाम बेटा? मेरा अनूप कुमार। यही घर है आपका? यस। चाचा थे आपके? यस। बात होती थी? हाँ। वो बात हुई थी 10 दिन पहले। क्या बोले थे? समाचार पूछ रहे थे पढ़ने को बोल रहे थे। और क्या बोल? यही सब पढ़ने के लिए बोल रहे थे। का नाम बा? हमार रिंकी। भेट होत रहल मुन्ना बाबू से रुआ? हां कब भेट भइल रहे? आवत नहीं है तब भेट होत रहल। कैसन आदमी रहनी? ठीक आदमी रहनी है। का कहत रहनी है बात होत रहल तो ठीक है बात करतनी है। परिवार उनका बाहर रहता है कहीं? हां नौकरी कर ले। देखिए आपने आर्मी में थे और दो बेटे हैं दोनों बेटों के साथ पत्नी बिहार पुलिस में है और वे जो है मुंगेर में उनका पोस्टिंग था। क्या नाम है? यही घर है बेटा? नहीं। अच्छा मुंगेर में पोस्टिंग थी पत्नी को भी यह सूचना मिल चुकी है पत्नी भी आ रही हैं और चारों तरफ गम और मातम का माहौल है। यही वह घर है जिस घर में कभी मुन्ना कुमार शर्मा जी का
बचपन बीता था मुन्ना जी यही, उनका बाल्यकाल बीता था और इसी घर में वे पले बढ़े थे और आज वे शहीद हो गए। उनकी शहादत की सूचना जैसे आसपास के लोगों को मिलती है, तमाम लोगों की आंखें सजल हैं और सब लोग अपने ही से लाल के खोने के गम में दुखी हैं। उनके भाई से बात करते हैं एक बार पुनः। और जो है उनका परिवार कहाँ रहता है भाई मेरे? मुंगेर में। मुंगेर में तो उनको सूचना मिली है? जी हम लोग सूचना कर दिए। आ रही हैं जी। शादी कब हुई थी उनकी? 2016 में। कहाँ शादी हुई है? सदरपुर गाँव में। सदरपुर। तो पति आर्मी में थे और पत्नी बिहार पुलिस में जी। किस पद पे हैं बिहार पुलिस में? कांस्टेबल हैं। कांस्टेबल हैं। बेटे हैं कि दोनों बेटियां हैं? बेटे हैं दोनों। दोनों बेटे हैं। दोनों का नाम क्या है? आलोक और एक का नाम। चलिए, आपके पिताजी हैं कि नहीं? नहीं हमारे पिताजी नहीं, 4 साल पहले माँ है। और आपके एक भाई कहाँ रहते हैं? मुंगेर में। वो भी मुंगेर में रहते हैं। दूसरा ही पूछ रहे थे उनकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई थी? यहीं गांव से। गांव से ही। उसके बाद तैयारी कब से करने लगे थे? 2008-09 सौ। वहाँ से जो पार्थिक शव है उसको लाने के लिए कोई गया कि नहीं वहाँ? नहीं अभी नहीं गया कोई, आ रहा है। अच्छा, तो कल कितने बजे तक चांस है कि बड़ी आ जाएगी? 1 बजे तक। 1 बजे तक आ जाने की चांस है। देख सकते हैं मुन्ना कुमार का यह घर है। इसी घर में कभी उनका बाल्यकाल बीता था, बचपन बीता था। इसी आंगन में कभी वे अपने पैरों के सहारे चलते थे। पैरों के सहारे चलते चलते धीरे धीरे पढ़ाई लिखाई पूर्ण हुई और उसके बाद भारत माँ का वह लाल सेना में जाने की तैयारी करता है, सोच रखता है और धीरे धीरे नियति को सब मंजूर होते जाता है। भगवान तमाम इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। वह बालक जो है आर्मी में चला भी जाता है और देश की सेवा करने लगता है। कौन जानता था कि मध्य समय में अस्वस्थ हो जाएंगे और अस्वस्थ इस कदर हो जाएंगे कि उनके जीवन की लीला समाप्त हो जाएगी। बीमारी क्या कुछ पता चला? नहीं कुछ, हम लोग को कुछ नहीं मालूम। अभी कुछ बताया नहीं गया है? नहीं, कुछ जानकारी नहीं है। चारों तरफ करुण विलाप गूंज रही है। जो जहां से सुन रहा है वहां से सुन करके लोग आ रहे हैं और हाल चाल जानने का प्रयास कर रहे हैं। अब करेगा कोई क्या, जो तो जो होना था हो गया। तो आप से बात नहीं होती थी उनकी, फोन पर? जैसे कि फोन से बात नहीं, यहाँ जब आता था ना तो हम लोग से मतलब मिलता होता था। जब सुन लेगा कि हम लोग आए हैं तो दौड़े जाएगा, पूछेगा का बन पूरा का बनल बा, खैनी है, हाल चाल, मतलब यही सब पूछता था। यही हमको याद करके हमको बुलाया है। वो याद हमको आना पड़ा है लेके, हमेशा बस ये घर उगर दोनों घर एकदम हमेशा अपना जैसा रहता था। वो कभी भी मतलब बढ़िया से, छोटा बच्चा भी कह दे गांव में किसी से लड़ाई हुआ होगा कुछ, कभी बहुत अच्छा लड़का था, बहुत अच्छा। जितना ही हम तारीफ करें उतना कम है, बहुत अच्छा लड़का था वो, इसी से लड़ा। सबकी आंखें सजल है, सब लोग उस व्यवहार कुशल व्यक्तित्व के धनी बालक को याद करके रो रहे हैं। सबके आंखों में आंसू है। कल अपराह्न के 2 बजे के बाद पार्थिव शव आ रहा है शहीद मुन्ना कुमार जी का। आप लोग भी आएँ, अपने उस जवान को श्रद्धांजलि दें, श्रद्धा सुमन अर्पित करें। बाकी कल फिर अगले रिपोर्ट में हम आप लोगों से मिल। क्या नाम है? का नाम बा अपन? सिंह सिंह। तो बाबू मुन्ना बाबू बेटा रहनी अपन? ना भतीजा। बात होत होत रहल? हाँ होत रहल। कब बात भई रहल? आई भइल, अरे 15-16 दिन आयल है भर ला मिल उल के गाँव में। का कहत रहू? ऐसा ही ठीक है रहू, मिल उल के गाँव में जाए के भाई नंदोस प्रणाम कहो गो। फोन पर बतिया उतर ले? हाँ अब की ना बतिया ले, मैंने बतिया उतर ले तो कोई दिन गई लही भाई। ये ने हाले गई ले? हाँ हाँ। ये बाबू इधर आइएगा जरा आप लोग। तो शादी होती सब हो गई उनका? हाँ लड़का दे गया भाई। क्या नाम है? विकास शर्मा। विकास बाबू आप इस गांव के बगल के हैं, आपसे उनकी मुलाकात होती थी? नहीं मुलाकात नहीं होती थी, जैसे हमारे गांव का एक रिलेशन पड़ता है हमारे दोस्त का, तो यहां लगाव था, आते थे जाते थे। मिले हैं कि नहीं कभी आप? मिले हैं उनसे। आज सुन कर के आए शहीद हो गए? हाँ हम सुने तो दौड़े। हुआ क्या था? अभी तो पता नहीं है कैसे। बीमार थे ना? ये भी नहीं हमको मालूम है, बोल रहे थे कि ऐसे मतलब बुखार है बस। आपको केवल जानकारी मिली है कि शहीद हो गए? जी बस इतना ही हमको। बीमार ना रहे कैसे क्या हुआ हम लोग को कुछ नहीं मालूम, निमले घर से गाँव।